अब एक फोन घुमाओ घर पर सामान पाओ। अब बाजार जाकर ही राशन खरीदने की क्या है जरूरत, जब ओई मार्ट है आपके लिए तैयार। ओई मार्ट के मोबाइल ऐप या वेबसाइट से करें बाजार मूल्य पर खुलकर खरीदारी, पाएं होम डिलीवरी। ओई मार्ट के मोबाइल ऐप के सीधे व्हाट्सएप से करें संपर्क, सामान का लिस्ट या फोटो खींचकर भेजें, कराएं बुकिंग। संपर्क करें 8340371187 7325052437। जीएस न्यूज पर चल रहे प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में आज का सवाल, 20 दिसंबर को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? ए अंतर्राष्ट्रीय मानव बल दिवस, बी अंतर्राष्ट्रीय एकता में अनेकता दिवस, सी अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस, या डी अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस। वीडियो को रोककर अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें। साथ ही हमारे जीएस न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बगल में जो लाल रंग का घंटा है उसे दबाएं ताकि प्रत्येक दिन न्यूज नोटिफिकेशन आपको मिले तुरंत। जीएस न्यूज पर ढाई आकर प्रतियोगिता में शामिल होकर पाएं एक आकर्षक उपहार। आगामी नववर्ष 2021 पर अंग प्रदेश का गौरव जीएस न्यूज द्वारा लेखनी ढाई अखर प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है, जिसमें दिनांक 21 दिसंबर 2020 सोमवार से 30 दिसंबर 2020 तक दिए गए विषय में से किसी एक पर लिखकर भेजकर शानदार उपहार प्राप्त कर सकते हैं। विशेष जानकारी के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जहां जाकर पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नवगछिया में परिवार व कपल के लिए फूड प्लाजा के जन्नत रेस्टोरेंट का भव्य शुभारंभ। नवगछिया के 0 माइल में स्थित फूड प्लाजा व सोना मैरिज गार्डन के प्रांगण में जन्नत रेस्टोरेंट का भव्य शुभारंभ किया गया। रेस्टोरेंट का उद्घाटन नवगछिया अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी दिलीप कुमार ने फीता काट कर किया। वही मौके पर जन्नत रेस्टोरेंट के संचालक संतोष कुमार ने बताया कि नवगछिया शहर आसपास के क्षेत्र के लोगों की मांग को देखते हुए फूड प्लाजा में जन्नत रेस्टोरेंट का भव्य शुभारंभ किया गया है। इस रेस्टोरेंट में परिवार व कपल लोगों के लिए ही एंट्री है। इस रेस्टोरेंट में लोग अपने परिवार के साथ शादी, सालगिरह, जन्मदिन या किसी भी तरह का पार्टी का आयोजन कर आनंद मना सकते हैं। बताते चलें कि जन्नत रेस्टोरेंट में सभी आधुनिक व्यवस्था उपलब्ध है। जन्नत रेस्टोरेंट के खुलने से आसपास के लोगों में भी चर्चे का माहौल बना हुआ है। हर तरह के लोग एक बार परिवार के साथ जाकर आनंद लेने की सोच रहे हैं। और मैं यहीं का रहने वाला हूं, और इस नए साल और क्रिसमस में एक पारिवारिक परिवार के साथ जो आदमी रेस्टोरेंट में एंजॉय करना चाहता है, शांति में रहना चाहता है, खाना चाहता है, जो पूरे नवगछिया में पहली बार इस तरह का है जो सिर्फ फैमिली और कपल के लिए स्पेशली है, इसमें जेंट्स अलाउ नहीं है, अलग से एक्स्ट्रा जिनके साथ फैमिली नहीं है वो एक्स्ट्रा नहीं आ सकते हैं, ये सिर्फ फैमिली के ही लोग इसमें एंट्री कर सकते हैं और कपल ही एंट्री कर सकते हैं, जो कि नवगछिया में फर्स्ट बार आया हुआ है, लाया गया है। और इसमें हम नवगछिया के वासियों से भी कहेंगे कि एक बार ज़रूर आएँ और हमको मौका दें अपने सर्विस प्रोवाइड करने का। दूसरी बात, इस क्रिसमस और नए साल के उपलक्ष में हम चाहते हैं कि 31 दिसंबर की नाइट एक आपका इसी के उपलक्ष में आज जन्नत रेस्टोरेंट का ग्रांड ओपनिंग हो रहा है, आज से ग्रांड ओपनिंग हो रहा है और सारे फैमिली लोग आज से एंजॉय कर सकते हैं जन्नत रेस्टोरेंट, जो फूड प्लाजा के ही बैनर पे, फूड प्लाजा के ही ग्राउंड में है, उसी कैंपस में है, इसका आप एंजॉय कर सकते हैं। रही बात इसके बाद 31 दिसंबर, तो हम लोग एक पार्टी दे रहे हैं 31 दिसंबर को न्यू ईयर के उपलक्ष में, जिसमें से कि आपको फूडिंग और ड्रिंकिंग फ्री रहेगा और बहुत ही नॉर्मल चार्ज पर आप ओनली फॉर फैमिली या कपल के लिए ही अलाउ रहेगा, जो कि ज़्यादा से ज़्यादा आदमी आप आएँ और इन्जॉय करें न्यू क्रिसमस और न्यू ईयर का, जिसमें कि आपको फूडिंग और ड्रिंकिंग ये फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, इसका कोई चार्ज नहीं लगेगा, सिर्फ एंट्री फी लगेगा जो भी नॉर्मल है, और ये आपको टिकट काउंटर से, फूड प्लाजा के रिसेप्शन काउंटर से मिलना चालू हो गया और आज ही से मिलना चालू हो गया है। इसलिए आप तमाम नवगछिया जिला, भागलपुर जिला वासियों के लिए आज सबसे बड़ी खुशखबरी है कि आज फैमिली रेस्टोरेंट जन्नत जो फूड प्लाजा होटल में ही शुरू हो रहा है, जन्नत रेस्टोरेंट जो सिर्फ फैमिली और कपल के लिए अलाव है, जो आज से चालू हो गया है। आप तमाम दोस्तों से निवेदन है कि इस नए साल के बम्पर ओपनिंग में आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त यहाँ आके अपना फैमिली के साथ एंजॉय कर सकते हैं। इसके बाद 31 दिसंबर का ग्रांड एक तरह से कैसन ग्रांड सेलिब्रेशन होने वाली है, जिसमें कि आपको फूडिंग ड्रिंकिंग फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, सिर्फ आपको एंट्री चार्ज लगेगा, ओनली फॉर फैमिली और कपल के लिए।
एक्स्ट्रा नहीं आदमी को आने का अनुमति है, सिर्फ फैमिली और कपल आप इंजॉय कर सकते हैं, जिसमें आपको डीजे सिंगिंग सारी फैसिलिटी मिलेगी, आप इसको इंजॉय कर सकते हैं ग्रैंड ओपन में। भागलपुर के नाथनगर में बाइक की चोरी, पेट्रोल खत्म होने पर चोर ने कागज के टुकड़े में लिखा सॉरी अंकल। भागलपुर के नाथनगर थाना क्षेत्र में इन दिनों चोरी की खुरापाती सिर चढ़कर बोलने लगी है। चोरों की हिमाकत तो देखिए, नाथनगर थाना आए एक फरियादी के बाइक पर ही अपना हाथ साफ कर लिया। हद तो तब हो गई जब नाथनगर के घोसी टोला के नजदीक चोरी की गई बाइक का पेट्रोल खत्म हो गया तो चोर ने बाइक खड़ी कर दी, आगे वाइजर हेडलाइट के ऊपर सॉरी अंकल लिखकर बाइक रास्ते में ही छोड़ दिया और फरार हो गया। बता दें कि रविवार दोपहर शंकरपुर दियारा इलाके के फरियादी सियाराम मंडल की पैशन प्रो बाइक छोटे गेट के अंदर खड़ी थी। शाम के वक्त जब वे अपनी बाइक निकालने गए तो मौके से गायब थी। काफी खोजबीन किया लेकिन बाइक का कुछ अता पता नहीं चल पाया। इंस्पेक्टर मोहम्मद सज्जाद हुसैन ने मामले को गंभीरता से लेते हुए नाथनगर थाने के सीसीटीवी फुटेज को खंगाला, जिसमें एक आरोपी को बाइक चोरी करते हुए देखा गया। आरोपी की पहचान नाथनगर थाना क्षेत्र के मथुरापुर निवासी सुधीर मंडल के पुत्र आनंद कुमार उर्फ छैला के रूप में किया गया। इंस्पेक्टर मोहम्मद सज्जाद हुसैन ने बताया कि आरोपी आनंद कुमार की गिरफ्तारी देर रात छापेमारी के दौरान घर से की गई है। आरोपी की पहचान सॉरी अंकल लिखे कागजात से की गई। दूसरे सादे कागज में आरोपी को सॉरी अंकल लिखने को कहा गया, जहां दोनों कागजात की हैंडराइटिंग हूबहू मिल गई। आरोपी बाइक चोर गिरोह चलाता है, जल्द अन्य बाइक चोर गिरोह में शामिल लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। नवगछिया का एकमात्र ऐसा स्थान जहां शादी विवाह मनाने का है संपूर्ण समाधान, होटल फूड प्लाजा के सोना ओपन मैरिज गार्डन, नवगछिया का सबसे सस्ता और सबसे उत्तम व्यवस्था के साथ, जहां उपलब्ध हैं एसी ननेसी कमरे, मंडप, बुफे काउंटर, हाई टी, डीजे फ्लोर, रोटेशन लाइट के साथ सभी आधुनिक व्यवस्था आपके लिए। आइए, आपका इंतजार है। होटल फूड प्लाजा के सोना मैरिज गार्डन, 0 माइल नवगछिया भागलपुर, संपर्क सूत्र 9661904817 7992499821। भागलपुर के कहलगांव में आया 3 तलाक का मामला। केंद्र सरकार ने महिलाओं के सर्वांगीण विकास को लेकर 3 तलाक को अवैध घोषित कर नया कानून बनाया है, लेकिन देश में कई ऐसे भी लोग हैं जो अपनी पत्नी को अभी भी प्रताड़ित कर 3 तलाक दे रहे हैं। ताजा मामला भागलपुर जिले के कहलगांव थाना क्षेत्र का है, जहां एक महिला को उसके पति और ससुराल वालों के द्वारा शादी के बाद से ही लगातार प्रताड़ित किया जा रहा था और कई दफा महिलाओं के साथ मारपीट भी की गई। इतना ही नहीं, पीड़ित महिला ने ससुराल वालों पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उसके बच्चे को भी घर में ही मार दिया गया। महिला ने बताया कि वीडियो कॉल पर उसके पति ने उसे तलाक दे दिया है। पीड़ित महिला इंसाफ के लिए पिछले 2 महीने से लगातार थाने का चक्कर काट रही है। जब स्थानीय पुलिस ने उसकी गुहार को नहीं सुना तो बेबस महिला फरियाद लेकर डीआईजी कार्यालय पहुंची, जहां पीड़ित महिला ने डीआईजी सुजीत कुमार से मिलकर इंसाफ की गुहार लगाई है। 4 नवंबर को शादी हुई थी और जितना सारा चीज वो डिमांड किए थे शादी करने के लिए, जितना इतना चीज चाहिए और अपने पसंद शादी करने के बावजूद वो मारपीट करता है और सामान के लिए प्रताड़ित किया जाता है। शादी के 1 हफ्ता के बावजूद बाद वो जो है उसका माँ बाप और पति सब जो है दहेज के लिए प्रताड़ित करने लगे और भैया को बोलने लगे कि इतना इतना सामान चाहिए, नहीं तो भी तो जान मार के फेंक देंगे। प्रताड़ित करने के बाद आप कहाँ आए? उसके बाद जो है पहले तो 2 साल तक ऐसा चलता रहा, तो हमको तो पापा थे नहीं तो हम किसी तरह से बर्दाश्त किए, लेकिन ज़्यादा बर्दाश्त नहीं हो पाया मेरे से तो हम थाना कहलगांव गए तो सर खान फोड़ दिया था। तो थाना कहलगांव कोई कार्रवाई नहीं की थी? नहीं, कोई कुछ नहीं की। नीति मैम एक ये थी, दरोगा थी, पता नहीं कौन थी, तो उनके पास गए तो जब तक हम अपना बयान दिए थे तो ठीक थे। उसके बाद जो है कुछ देर के बाद से जो है एक दिन के बाद उनको जो है पैसा कुछ खिला दिया था मोहिम, इसलिए उनके तरफ हो गई थी। अभी आप डीआईजी साहब के पास? हाँ, अभी हम फिर उसके बाद एंटी पीसी वो हम नहीं, हमको फिर सर फोड़ने के बाद जो है भाई मेरा लेके चला आया था मेरे मायके पुलिस के साथ। तो उसके बाद हम आए अपने मायके तो उसमें जो है वो आ करके मारपीट कर रहा है, गाली गलौज गंदी गंदी। तो आए बैठे ना बात, वीडियो कॉल पे वो तलाक तो मेरे पास है। अभी आप कहाँ आए? अभी हम डीआईजी साहब के यहाँ आए भाग। क्या नाम है? हमारा नाम मोहम्मद शानबाज है। अभी हम लोग डीआईजी साहब के पास आए थे, नहीं हो पाई। क्या फील कर रहे हैं? माँ कहाँ रहती है, बहन कहाँ? माँ हमारी, माँ कहलगांव में रहती है और हम भागलपुर में रहते हैं। हमारा किसी तरह से यहाँ पे पोषण पालन चलता है, इसलिए कि यहाँ पे रहते हैं, धंधा पानी है। और बहन का शादी वहाँ पे किया था, उन लोगों ने बहुत जोर जोर से उसके साथ जो है जुल्म कर रहे हैं, वहाँ पे बहुत परेशान कर रखा है उसको वहाँ पे।
सुरक्षित फील करते हैं अपने आप को? नहीं, हम कोई सुरक्षित नहीं, लेकिन हमको फोन पे जो है गाली गुप्ता करते रहता, मारने पीटने का धमकी देते रहता है, बोलता पहले तुम कहलगांव आकर के दिखाओ, इसके बाद हम तुमसे बात करेंगे। भरोसा है कानून पर? कानून पर तो हमको फुल भरोसा है, इसलिए तो हम कानून के पास आए हैं। थाना गए थे इसकी शिकायत लेकर? हाँ, थाना तो गए थे, कहलगांव थाना, वहाँ पे कोई सुनवाई नहीं हुआ। भागलपुर के सैंडिस कंपाउंड में चल रहे विकास योजनाओं की गई जांच। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत सैंडिस कंपाउंड मैदान में चल रहे विकास योजनाओं में अनियमितता का आरोप लगाते हुए भागलपुर के विधायक सह कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता अजीत शर्मा ने कमिश्नर वंदना किनी को स्मार्ट सिटी योजना के तहत हो रहे कार्यों के गुणवत्ता के जांच को लेकर आवेदन दिया था, जिसके बाद कमिश्नर के निर्देश पर सैंडिस कंपाउंड में चल रहे कार्यों का जांच करने भागलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज के प्राचार्य निर्मल कुमार और दो इंजीनियर का दल पहुंचा। जांच टीम ने कार्य में प्रयुक्त हो रहे ईंट, रेत और मिट्टी व गिट्टी को संग्रह कर जांच के लिए अपने साथ ले गए। वहीं इस मामले में भागलपुर के विधायक अजीत शर्मा ने कहा कि स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत चल रहे कार्यों में लूट खसोट मचा हुआ है, वे लगातार सैंडिस कंपाउंड में चल रहे कार्यों का मॉनिटरिंग कर रहे हैं। सैंडिस कंपाउंड में चल रहे कार्य का आज निरीक्षण करने पहुंचे प्रिंसिपल इंजीनियरिंग कॉलेज और सैंपल लेके गए क्या? नहीं, निरीक्षण करने वो नहीं गए थे, निरीक्षण तो मैंने किया था नगर आयुक्त के साथ, और मैंने देखा कि जो काम हो रहा था, चाहे वो ब्रिक्स की क्वालिटी हो, बालू की जो क्वालिटी हो, मुझे उस पर लगा कि ये ठीक नहीं है। बालू में मिट्टी मिला हुआ था और जो ब्रिक्स थे वो बहुत कमजोर थे। अब देखे होंगे नगर आयुक्त जो है यहाँ की, वो उठाई थी और ईटा से टूट गया था, तो उसी पर मैं गया था देखने के लिए, और मैंने कहा था कि इंजीनियरिंग कॉलेज गवर्नमेंट की संस्था है, वहाँ से जाँच करा लीजिए ब्रिक्स और बालू और जो कंक्रीट ढलाई हो रहा है, क्योंकि ये दिल है भागलपुर जिला का, सैंडिस कंपाउंड एक दिल है और स्मार्ट सिटी से 37 करोड़ रुपया काम हो रहा है, बाहर के कोई कॉन्ट्रैक्टर हैं, और वो आज प्रिंसिपल साहब जो इंजीनियरिंग कॉलेज के हैं, तो आप जैसा बता रहे हो गए होंगे सैंपल लेने के लिए, वो सैंपल लेंगे, जांच करेंगे, जांच में गड़बड़ी आएगी तो मैं माननीय मुख्यमंत्री को और विधानसभा में इसकी आवाज़ उठाएंगे। लूट नहीं होने देंगे, ये सैंडिस कंपाउंड भागलपुर जिला का ही नहीं, 7-8 जिला का ये दिल है, और ये बड़ा ही गौरवान्वित होती है यहाँ की जनता की सैंडिस कंपाउंड एक धरोहर के रूप में। सुंदरम अहुना मटन, बिहार का सुप्रसिद्ध एवं पूर्वी चंपारण का नॉन वेज टेस्ट, अब आपके शहर नवगछिया के सुंदरम अहुना मटन में। हांडी मटन एवं चिकन के विभिन्न एवं बेहतरीन स्वाद के लिए सुंदरम का तीसरा ब्रांच आपके लिए तैयार है। सुंदरम अहुना मटन, नवगछिया, स्टेशन चौक, राजेंद्र कॉलोनी मोड़, नवगछिया। नव वर्ष 2021 पर अहुना मटन एवं चिकन की खरीदारी पर भारी छूट पाने के लिए जरूर पधारें। संपर्क सूत्र 8603493747। खाने में चाहिए टेस्ट तो सुंदरम है बेस्ट। भागलपुर में डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कोऑर्डिनेशन एवं मॉनिटरिंग कमेटी की बैठक आयोजित। भागलपुर जिले में चल रहे केंद्र प्रायोजित विकास योजनाओं की समीक्षा को लेकर डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कोऑर्डिनेशन एवं मॉनिटरिंग कमेटी की बैठक भागलपुर के समाहरण न्यायालय परिसर स्थित समीक्षा भवन में आयोजित की गई। सांसद अजय मंडल की अध्यक्षता में आयोजित बैठक के दौरान केंद्र सरकार के द्वारा चलाए जा रहे सभी विकास योजनाओं पर चर्चा की गई। इस दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना, मनरेगा, स्वच्छ भारत मिशन, प्रधानमंत्री सड़क योजना, राष्ट्रीय सामाजिक योजना सहित सभी तरह के सरकारी योजनाओं के द्वारा चलाए जा रहे विकास योजनाओं में तेजी लाने का दिशा निर्देश अधिकारियों को दिया गया। बैठक के दौरान सुल्तानगंज विधायक प्रोफेसर ललित नारायण मंडल, जिलाधिकारी प्रणव कुमार, DDC सुनील कुमार, नगर आयुक्त जे प्रियदर्शनी सहित सभी विभागों के अधिकारी व कर्मचारी मौजूद थे। उन योजनाओं पर सुचारू रूप से चले, इसी के लिए बैठक था। और कुछ अगर आपको पूछना चाहेंगे, जिस योजना पर आपने समीक्षा किया उसकी क्या प्रगति थी और क्या जिस योजनाओं पर पूर्व में बैठक हुआ था उनकी समीक्षा किया गया तो उनमें प्रगति था। आज बोंसी जितने जनप्रतिनिधियों द्वारा जिस विषय के बिंदुओं पर खामियां बताया गया है फिर उनको अगले बैठक तक पूर्ण कर दिया जाएगा। स्मार्ट सिटी योजना यहाँ क्या प्रगति देख रहे हैं सर? स्मार्ट सिटी पर जो योजना है उस पर भी काफ़ी अनियमता का देखने के लिए मिला, जहाँ के मेयर द्वारा, अध्यक्ष के द्वारा जो लगाया गया आरोप है, क्योंकि जांच की टीम आई थी कि उस पर अविलंब कड़ाई से कार्रवाई करते हुए कि उनमें जो गलतियां हैं, उनमें जो खामियां हैं। गोपालपुर, मृतक बबलू मंडल की पत्नी के लिखित आवेदन पर नामजद प्राथमिकी दर्ज। रंगरा के झलुदास टोला में गोपालपुर पकराबासा निवासी किसान बबलू मंडल की हत्या कर सबको गंगा नदी में बहा दिए जाने के मामले में मृतक की पत्नी वीणा देवी के लिखित आवेदन पर
नगरा थाने में मामले की प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। वहीं उनकी पत्नी ने पकड़ा टोला निवासी टुनटुन मंडल, कटिहार के कुर्सेला सेरमारी निवासी गुड्डू मंडल अशोक मंडल मुल्ला उर्फ लिकलिकिया मंडल को नामजद किया है। वीना देवी का आरोप है कि आरोपियों ने उसके पति को घर से बुलाकर उसकी हत्या कर दी और सबको कोशी नदी में बहा दिया। वहीं आवेदन के आलोक में गोपालपुर रंगरा थाने में मामला दर्ज कर अनुसंधान प्रारंभ कर दिया गया है, जबकि रंगरा पुलिस द्वारा सबकी तलाश करने के लिए रंगरा तटवर्ती क्षेत्र में सर्च अभियान भी चलाया गया है। अब आपके शहर नौगछिया में कान्हा स्वीट्स एवं रेस्टोरेंट। हमारे यहाँ स्वादिष्ट मिठाई जैसे काजू पान, काजू फ्रूट, काजू कतली, मोती पाक के अलावे एक से बढ़कर एक लजीज मिठाइयाँ उपलब्ध है। शुगर फ्री मिठाई के लिए संपर्क जरूर करें। साथ ही पनीर डोसा, पनीर पिज्जा के लिए जरूर पधारें। कान्हा स्वीट्स, प्रोफेसर कॉलोनी, नौगछिया। संपर्क करें 9060127642, 9308708313। नवगछिया BLS कॉलेज की छात्रा आर्या कश्यप के RD कैंप में चयन होने पर महाविद्यालय शासी निकाय के सचिव व सीनियर सदस्य ने दी बधाई। तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय की संबद्ध इकाई BLS कॉलेज नवगछिया की छात्रा आर्या कश्यप का चयन RD कैंप में होने पर BLS कॉलेज शासी निकाय के सचिव व TMBU के आजीवन सीनेट सदस्य डॉक्टर मृत्युंजय सिंह गंगा ने खुशी व्यक्त करते हुए उसे बधाई दी है। नवगछिया होल्डिंग टैक्स वसूल करने गए नगर पंचायत के कर्मियों का स्थानीय लोगों ने किया विरोध, कहा डेवलपमेंट नहीं तो टैक्स भी नहीं। टीचर्स कॉलोनी नया टोला नवगछिया वार्ड 23 के पूर्वी विभाग संस्कृत कॉलेज के निकट बजरंगबली मंदिर परिसर में होल्डिंग टैक्स वसूल करने आए नगर पंचायत के कर्मियों को स्थानीय लोगों के भारी विरोध का सामना करना पड़ा। स्थानीय लोगों ने कहा कि जब नगर पंचायत के तरफ से उन लोगों को किसी प्रकार की सुविधा नहीं मिल रही है तो वे लोग होल्डिंग टैक्स क्यों भरेंगे। नगर पंचायत के दो कर्मचारी संजय कुमार झा एवं अमित कुमार द्वारा शिविर लगाकर होल्डिंग टैक्स वसूल किया जा रहा था। इसी समय कुछ स्थानीय लोगों ने आकर टैक्स वसूली का विरोध करना शुरू कर दिया। कुछ स्थानीय लोगों का विरोध का कोई असर नहीं पड़ रहा था, वे अपने होल्डिंग टैक्स भर रहे थे तो अधिकांश लोगों ने होल्डिंग टैक्स भरने से मना किया और मोहल्ले के कुछ प्रबुद्ध जनों और नगर पंचायत के कर्मियों द्वारा समझाए बुझाए जाने के बाद स्थानीय लोगों ने टैक्स भरने की सहमति दी और राजस्व भी जमा। नो डेवलपमेंट नो टैक्स, सीधी बात है। वीडियो सीओ को यहाँ क्या जाएंगे, वो आएगा कि क्यों नहीं देता है। आप जो है ना, आप अपनी बात को रखिए। ये जो बोलता है दबा देता है, किसको फुर्सत है जो है दौड़ के जो है ऑफिस करते रहे। सब लोग बोलिए, सबके वीडियो बनाएगा एकदम। ये लड़ाई, ये वास्तविक लड़ाई है, कोई इसमें अति वाला नहीं है। अपना अपना पक्ष सब लोग बोलिए, सीधा भेज देते हैं मीडिया वाले। हमारा दीजिए ना, आप सब आवाज भी दीजिए। नो टैक्स नो बिक, नो डेवलपमेंट नो टैक्स का नारा है नया टोला का, जो है नया नारा है वार्ड नंबर 23। नौगछिया के राजेंद्र कॉलोनी में चोरी, 8 मोटर चुराए। नौगछिया थाने के राजेंद्र कॉलोनी वार्ड संख्या 6 में नीरज जायसवाल के मकान में रखा 8 मोटर पंप अज्ञात चोरों द्वारा चोरी कर लिया गया है। इस संबंध में पीड़ित प्रशांत कुमार ने नौगछिया थाने में अज्ञात चोरों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराया है। चोरी की जानकारी सुबह होने पर थाना अध्यक्ष इंस्पेक्टर अमर विश्वास, नगर पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि प्रेम सागर उर्फ डब्लू यादव, पार्षद प्रतिनिधि मनीष सिंह सहित आसपास के लोगों की भीड़ घटनास्थल पर उमड़ पड़ी। प्रशांत ने बताया कि चोरों ने दरवाजे पर लगा ताला खोलकर चोरी किया है। घटनास्थल पर मौजूद सभी लोग इस बात को लेकर आश्चर्यचकित हैं कि ताला खोलकर 8-8 मोटर की चोरी कैसे कर ली गई। चोर बिना गाड़ी अथवा ठेला का इसे कैसे ले जा सकते हैं। थाना अध्यक्ष ने कहा कि मामले की जाँच कर सही जानकारी ली जा रही है। वहीं बाजार में चोरी का प्रयास कर रहे चोरों को हवलदार मोती चंद महतो ने सोमवार के देर रात खदेड़ा, जिससे बाजार में चोरी होने से बची। नवगछिया में मास सिकिंग अभियान में 51 लोगों एवं 3 वाहन चालकों से वसूला गया जुर्माना। नवगछिया SP स्वप्ना जी मिश्रा के निर्देश पर पुलिस जिले के सभी थाना क्षेत्र में कोरोना के बढ़ते प्रकोप को लेकर सघन मास सिकिंग अभियान चलाया गया। वहीं इस दौरान सभी थाना क्षेत्र मिलाकर पुलिस ने कुल 2550 रुपए जुर्माना वसूल किया है। इस दौरान 3 वाहन चालकों से 3000 रुपए भी जुर्माना वसूल किया है।
गोपालपुर मृतक बबलू मंडल की पत्नी के लिखित आवेदन पर नामजद प्राथमिकी दर्ज। रंगरा के झल्लूदास टोला में गोपालपुर पकराबासा निवासी किसान बबलू मंडल की हत्या कर सबको गंगा नदी में बहा दिए जाने के मामले में मृतक की पत्नी वीणा देवी के लिखित आवेदन पर नगरा थाने में मामले की प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। वहीं उनकी पत्नी ने पकड़ा टोला निवासी टुनटुन मंडल, कटिहार के कुर्सेला सेरमारी निवासी गुड्डू मंडल, अशोक मंडल, मुल्ला उर्फ लिकलिकिया मंडल को नामजद किया है। वीणा देवी का आरोप है कि आरोपियों ने उसके पति को घर से बुलाकर उसकी हत्या कर दी और सबको कोशी नदी में बहा दिया। वहीं आवेदन के आलोक में गोपालपुर रंगरा थाने में मामला दर्ज कर अनुसंधान प्रारंभ कर दिया गया है, जबकि रंगरा पुलिस द्वारा सबकी तलाश करने के लिए रंगरा तटवर्ती क्षेत्र में सर्च अभियान भी चलाया गया है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद नौगछिया इकाई में चल रहे क्रिकेट टूर्नामेंट में उजानी ने किया जीत दर्ज। नौगछिया में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद नौगछिया इकाई द्वारा टूर्नामेंट का नेतृत्व कर रहे प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य अनु चौरसिया ने बताया कि टूर्नामेंट में 8 टीमों ने भाग लिया था। फाइनल मुकाबले में मददपुर और उजानी के बीच मैच खेला गया। फाइनल मुकाबले में मददपुर ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करते हुए 16 ओवर में कुल 163 रन का लक्ष्य रखा, जिसे उजानी ने 6 विकेट से मैच अपने नाम कर लिया। वहीं कार्यक्रम में जिला संयोजक पंकज कुमार, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य सुमित यादव, भाजपा नौगछिया के जिलाध्यक्ष विनोद कुमार मंडल, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य अनु चौरसिया, नगर मंत्री राहुल राजपाल, सुजीत सिंह चौहान, कॉलेज अध्यक्ष अविनाश कुमार, हर्ष कुमार, रवि सिंह सहित कई अन्य मौजूद थे। डोलबजा के कदवा में मवेशी व्यवसायियों ने बहला फुसला कर बालक को लेकर हुए फरार, दूसरे दिन हुआ बरामद। डोलबजा के कदवा ओपी थाना क्षेत्र अंतर्गत परासपुर कदवा निवासी कनिक सिंह के पुत्र राजकुमार 14 वर्षीय को बीते सोमवार की दोपहर करीब 2 बजे मवेशी व्यवसायी ने बहला फुसला कर फरार हो गए थे। परिजनों ने बताया कि राजकुमार गांव के ही मध्य विद्यालय कदवा थान परिसर में खेल रहा था, जहां से लापता हो जाने के बाद पूरे इलाके में खोजबीन करने पर कहीं कोई अता पता नहीं चल पाया। मंगलवार को कदवा थाने में भी लिखित आवेदन भी दिया गया था। बाद में मधेपुरा जिले के पुरैनी थाना क्षेत्र अंतर्गत फुलपुर गांव से स्कूली बच्चों की मदद से परासपुर कदवा के अनुज कुमार की फोन पर पता चला कि राजकुमार यहां भटक रहा है। तब जाकर देर शाम परिजनों ने फुलपुर गांव जाकर अपने बच्चे को घर लाया। नवगछिया अश्लील हरकत और मारपीट मामले में आरोपी को किया गिरफ्तार। रंगरा ओपी पुलिस ने अश्लील हरकत और मारपीट मामले में फरार चल रहे आरोपी भवानीपुर निवासी धर्मेंद्र यादव उर्फ मुंशी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। जानकारी मिली है कि घटना के बाद से ही उक्त आरोपी फरार चल रहा था। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर मुंशी यादव को भवानीपुर गांव से ही गिरफ्तार किया है। अब एक फोन घुमाओ घर पर सामान पाओ। अब बाजार जाकर ही राशन खरीदने की क्या है जरूरत, जब ओई मार्ट है आपके लिए तैयार। ओई मार्ट के मोबाइल ऐप या वेबसाइट से करें बाजार मूल्य पर खुलकर खरीदारी, पाएं होम डिलीवरी। ओई मार्ट के मोबाइल ऐप के सीधे व्हाट्सएप से करें संपर्क, सामान का लिस्ट या फोटो खींचकर भेजे कराएं बुकिंग। संपर्क करें 8340371787 7325052437। सुंदरम अहुना मटन, बिहार का सुप्रसिद्ध एवं पूर्वी चंपारण का नॉन वेज टेस्ट, अब आपके शहर नवगछिया के सुंदरम अहुना मटन में। हांडी मटन एवं चिकन के विभिन्न एवं बेहतरीन स्वाद के लिए सुंदरम का तीसरा ब्रांच आपके लिए तैयार है। सुंदरम अहुना मटन, नवगछिया स्टेशन चौक, राजेंद्र कॉलोनी मोड़, नवगछिया। नव वर्ष 2021 पर अहुना मटन एवं चिकन की खरीदारी पर भारी छूट पाने के लिए जरूर पधारें। संपर्क सूत्र 8603493747। खाने में चाहिए टेस्ट तो सुंदरम है बेस्ट। अब आपके शहर नौगछिया में कान्हा स्वीट्स एवं रेस्टोरेंट। हमारे यहाँ स्वादिष्ट मिठाई जैसे काजू पान, काजू फ्रूट, काजू कतली, मोती पाक के अलावे एक से बढ़कर एक लजीज मिठाइयाँ उपलब्ध है। शुगर फ्री मिठाई के लिए संपर्क जरूर करें। साथ ही पनीर डोसा, पनीर पिज्जा के लिए जरूर पधारें। कान्हा स्वीट्स, प्रोफेसर कॉलोनी, नौगछिया। संपर्क करें 9060127642 9308708313। नवगछिया का एकमात्र ऐसा स्थान जहां शादी विवाह मनाने का है संपूर्ण समाधान, होटल फूड प्लाजा के सोना ओपन मैरिज गार्डन, नवगछिया का सबसे सस्ता और सबसे उत्तम व्यवस्था के साथ, जहां उपलब्ध है एसी ननेसी कमरे, मंडप, बुफे काउंटर, हाई टी, डीजे फ्लोर, रोटेशन लाइट के साथ सभी आधुनिक व्यवस्था आपके लिए। आइए, आपका इंतजार है। होटल फूड प्लाजा के सोना मैरिज गार्डन, 0 माइल नौगछिया भागलपुर। संपर्क सूत्र 9661904817 7992499821।